तो हे नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है युवराज और आप सभी का इस नए वीडियो के अंदर मैं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे आपको MIUI 12 या फिर MIUI 12.5 के अंदर फोल्डर ब्लर को कैसे इनेबल करना है। यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास दो फोन है, एक है Redmi Note 7, दूसरा है Redmi Note 9 Pro। यहाँ पर Redmi Note 7 पर मैंने फोल्डर ब्लर को इनेबल किया है और उसी जगह पर यहाँ पर बात करें Redmi Note 9 Pro की तो यहाँ पर आपको ब्लर देखने को नहीं मिलता है। यानी कि अगर आप यहाँ पर कोई भी फोल्डर को ओपन करते हैं तो पीछे का जो बैकग्राउंड जो भी वॉलपेपर है वो सेम आपको देखने को मिलता है, और अगर आप ब्लर को इनेबल करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ब्लरी इफेक्ट में पीछे का जो बैकग्राउंड है वो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो इसके लिए गाइस आपको आपके फोन को रूट नहीं करना है, आपको बस एक ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर ओपन करना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है सेट एडिट, इस तरीके से गाइस ये ऐप है तो इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको इसको ओपन करना है। ओपन हो जाने के बाद गाइस यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रोल करना है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा डिवाइस लेवल लिस्ट नाम का एक टेक्स्ट मिल जाएगा, तो आपको इसको फाइंड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा लाइन है तो उसके ऊपर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको एडिट वैल्यू पर क्लिक करना है, और दोस्तों यहाँ पर आपको ख्याल रखना है सेम टू सेम वैल्यू यहाँ पर आपको डालना है। तो गाइस V1 को आपको ऐसे ही रहने देना है, जो C2 है उसको C3 आपको कर देना है। तो यहाँ से हम इसको C3 कर देंगे, उसके बाद G2 को भी आपको सेम करना है, यहाँ पर G3 करके सेव चेंजेस कर देना है। अभी गाइस आपको एक सिस्टम लॉन्चर है उसका फाइल को डाउनलोड करना रहेगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेटेस्ट बीटा लॉन्चर है तो उसको भी आपने डाउनलोड करके यहां से इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों यहां पर ये इंस्टॉल हो चुका है। अभी दोस्तों आपको आपका फोन है उसको एक बार रीबूट करना है। जैसे ही आप रीबूट कर देंगे तो आपके फोन के अंदर फोल्डर ब्लर का जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा, उसके बाद आप फोल्डर ब्लर को यूज कर सकते हैं अपने फोन के अंदर। तो दोस्तों यहां पर फाइनली हमारा फोन है वो रिबूट हो चुका है। अभी हम यहां पर इसको ओपन कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप किसी भी फोल्डर को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर फोल्डर ब्लर है वो इनेबल हो चुका है। तो इस तरीके से गाइस आप अपने Xiaomi फोन के अंदर फोल्डर ब्लर का फीचर है उसको इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये ऐप टोटली फ्री है और सेफ है यूज करने के लिए। यानी कि अगर आप इस ट्रिक से फोल्डर ब्लर को इनेबल करते हैं तो इससे आपका अपडेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, और अगर आप चाहे तो ये हो जाने के बाद इस ऐप को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। सो अगर आपको ट्रिक अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसे और भी नए वीडियोस के लिए ट्रिक्स के लिए आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।